आपने कल शाम को 5 करोड़ कैश आपकी टीम ने पकड़ी है खेड़ शिवापुर टोल नाके के पास। मुंबई से गाड़ी आती है जो आगे सांगली के आसपास कहीं जा रही थी और आपकी टीम ने उसे पकड़ लिया। तो मुंबई से ये गाड़ी सेफली पुणे तक आ जाती है और पुणे पुलिस पकड़ लेती है, ये क्या चक्कर है? नहीं, इसमें क्या है कि गाड़ियों जो वॉल्यूम्स है वो बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में हर जगह नाकाबंदी और पुलिस की चेकिंग विधानसभा इलेक्शन के दरमियान हो रही है। इसमें हमने भी इसमें नाकाबंदी लगाई थी और रैंडमली हम भी कुछ कुछ गाड़ियाँ चेक कर रहे थे। अगर आपने वहाँ के टोल नाके अगर देखे तो यू विल फाइंड कि इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि हर गाड़ी को रोक के चेक किया जाए। सो हम भी रैंडमली कुछ गाड़ियाँ चेक कर रहे थे। इसमें हमें ऐसा निष्पन्न हुआ कि ये गाड़ी में कुछ कैश है और फिर हमने संबंधित व्यक्ति को साइड में गाड़ी लेके हमारी जो ब्रदर एजेंसीज है उनको कांटेक्ट किया और उसके बाद ये गाड़ी चेक की। तो उसमें हमें, जैसे कि इनकम टैक्स। हाँ, जैसे कि इनकम टैक्स, तो हमने एक जॉइंट एक्शन लिया और इनका एक जॉइंट पंचनामा किया। पंचनामा करके इनकम टैक्स को हैंड ओवर किया। पंचनामे में ऐसा निष्पन्न हुआ है कि ये 500 रुपये के इसमें सारे करेंसी नोट्स हैं। ये जेन्यून इंडियन करेंसी नोट्स हैं, इसमें कोई फेक करेंसी नहीं है। और ये 5 करोड़ रुपए ये टोटल ये कैश थी। एनी पॉलिटिकल एंगल इसमें? इसमें अगेन मैं वही कहना चाहूँगा कि इसमें वी आर इंक्वायरिंग इनटू इट एंड इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनकम टैक्स भी इसमें कर रहा है। तो दे विल बी इन अ बेटर पोजिशन कि ये किसकी है, क्या है, इसके बारे में वो अच्छी तरह से वो बता पाएंगे। पुणे के न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।